हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन का यूज लेके आई हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। ये सारे पीस 5-5 इंच के हैं। तो मैंने पिछली बार आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया था फ्रेंड्स, तो आज हम यही डिज़ाइन का यूज करना मैं आपको बताऊँगी। तो मैं सेम यही डिज़ाइन बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने पीस ले लिए हैं और लास्ट तक हम इस पीस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी है, जितने भी हमारे पीस हैं, हम इसको ऐसे ही लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमने पीस ले लिया, ये हमने इसको यहाँ लगा लिया फ्रेंड्स, और हमने ये तीन लाइन लगाई है फ्रेंड्स, कोने से कोने तक। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है। तो ये हमारे डबल साइड के पीस आ जाएंगे। तो ऐसे ही हमें सारे पीस सिलने हैं। तो मैं आपको सिलकर दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सिल गए हैं और मैंने सारे पीसों को कट कर लिया है और मैंने इनको 4.5 इंच नाप लिया है। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमारा साइड साइड में से सिल गया था। ये इस तरीके से डबल शेड आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ओपन हो गया है। तो इसे भी हम 4.5 इंच तैयार कर लेंगे। तो 4.5 इंच का हमारे ये सारे जो पीस हैं 4.5 इंच के हैं। और फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब हम इन सब का डिज़ाइन सेट करके दिखाएंगे। तो मैं इन सबको डिज़ाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से पहले इनको दो चार करके पीस साइड में करेंगे। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे कर लेंगे। पहले हम इनका सेट बना लिया, हमने साइड में कर लिया। पहले हम इनको सिलेंगे। तो सिलना मैंने आपको बता ही रखा है कि इसको यहाँ से रख के सिलेंगे और फिर इसको यहाँ पे रख के ऐसे सिलेंगे। तो ये हो गया, ऐसे ही हमें ये ऐसे करके ये सिलना है। फिर उसके बाद हम इसको इन पे पलटेंगे। पहले मैं इनको सिल लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको वैसे सिलना बताऊँगी आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पलटेंगे और इस पर पिनअप लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिनअप कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से सिलेंगे। सिलने के बाद ही हमारा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें इसे भी करना है फ्रेंड। इसको हम ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ हम जोड़ों पर पिनअप करेंगे और फिर इसको भी ऐसे सिल देंगे। तो मैं ये आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब ऐसे ही हम आगे फिर इसको भी ऐसे करेंगे कि ये हम ऐसे ही पीस ले लेंगे, जैसे कि हमने पहले 6 पीस का सेट बनाया था। ये देखिए, ऐसे ही हम फिर से 6 पीस का सेट बना लेते हैं ताकि इसमें सिलने में आसानी हो। तो हम इसको ऐसे ही सिल लेते हैं फ्रेंड, जैसे हमने ये सिला था। फिर हम ऐसे ही बारी बारी मैं इनको सारे इनको सिल लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। अब हम इसके नीचे कपड़ा जॉइंट करेंगे। तो इसके नीचे कपड़ा जॉइंट करेंगे तो फ्रेंड्स, फिर हम उसके बाद आपको सिलना बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े के नीचे कपड़ा जॉइंट कर लिया है पिनअप से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े को इस पे बिछाने से पहले प्रेस किया था, और जो मैंने इसके नीचे जो ये कपड़ा मैंने यूज़ किया है, ये भी मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया था फ्रेंड। फिर इसके बाद हमने अच्छी तरीके से सेटिंग सी करके इसकी और इस पर पिनअप कर लिया है, ताकि ये मेरा जो भी डिज़ाइन है ये इधर उधर ना खिसके और नीचे वाला कपड़ा भी अपने सही जगह पर टिका रहे। तो इसीलिए हमने इस पर पिनअप कर लिया फ्रेंड। अब क्या करेंगे, अब हम इसके जितनी भी हमारी लाइन है जोड़ों की, हम उस सब पर सिलाई करेंगे। तो हम लाइन से, जैसे जितनी भी हमारी लाइनिंग है लाइन, उस पर हम यहाँ से लंबी लंबी सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, ऐसे हम सीधी सीधी लाइन लगाएंगे, और जब हमारी सिलाई लग जाएगी फिर हम उसको ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो हम फिर इनको डब्बे डब्बे के तौर पे सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये हमारा पूरा डिज़ाइन अच्छे से इस कपड़े के ऊपर जुड़ जाए। और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स, वो हम कट कर लेंगे। फिर सिलने के बाद फ्रेंड्स, हम इसके नीचे भी एक कपड़ा और जॉइंट करेंगे। तो हम बिछौने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नीचे इसके, पहले जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अलग से हम 2 पीस और लेंगे, ताकि ये अभी हमारी पतली बिछौनी है तो इसे हमें थोड़ा और मोटा करना है। तो पहले इसको इसी पर सिलेंगे, ताकि सिलाई में ये कपड़ा हैवी ना हो जाए। बाद में हम अलग से दूसरा कपड़ा जॉइंट करेंगे, और उसके बाद हम इसके सारे बॉर्डर पर हम बॉर्डर लगाएंगे। तो हम पहले इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कंप्लीट हो गई है और बिल्कुल सही तरीके से सिल गई है। तो ना कोई झोल आया है और ना कोई सलवट आई है, तो बिल्कुल ठीक तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से सिल गई है। तो ये देखिए, ये हमने
बड़ी बड़ी पट्टियाँ काटी हैं जो 4-4 इंच की हैं, ताकि हम इसमें बॉर्डर ऐड कर सकें। और ये देखिए, ये मैंने कुछ पीस लिया है, ये मैंने कुछ कपड़े लिए हैं फ्रेंड्स, ये मेरे नए कपड़े हैं जो मैं यूज नहीं कर सकी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम इनमें 3 तह लेंगे। तो हम इसे बिछोनी के हिसाब से ही इन कपड़ों को कट कर लेते हैं। तो एक पीस हमारा ये हो गया, एक पीस हमारा ये हो गया, और एक ये हो गया। हम ऐसे करके 3 पीस लेंगे फ्रेंड्स। तो मैं उनको सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कपड़ा बिछा लिया है और ये हमारी 3 तह है। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से बिछा लिया है और ये हमारी 3 तह है, 1, 2 और 3 ये, क्योंकि हमें ये वाला इसके पीछे चाहिएगा फ्रेंड्स। तो जो हमें कपड़ा लास्ट में लगाना है, जो हमारी बिछोनी के बैकग्राउंड में रहे, तो ऐसा ही वो कपड़ा बिछाइएगा। तो ये हो गया, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम साइड में कर देंगे। तो मैं इस बिछोनी को इसके ऊपर रख लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस बिछोनी को इसके ऊपर रख लिया है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम मार्जिन इसमें ज़रूर छोड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में जहाँ ये सिल जाएगा तब इसमें कपड़ा छोटा ना हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है इस बिछोनी के हिसाब से। तो हम ये साइड वाला कट कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसमें सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, हम ये पीस हटा लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये जो हमारा पीस है इसमें 3 लाइन है, वो 3 पीस हैं। तो हमें थोड़ी थोड़ी गैप में, एक एक मिलान के गैप में हमें सिलाई लगानी है। तो हम कुछ सिलाई इसमें लगा लेंगे फ्रेंड, ताकि हमारे 3 पीस आपस में जॉइंट हो जाए। जब ये जॉइंट हो जाएंगे तब हम इस वाली चीज़ जो हमारी बिछोनी है, तब हम इसमें इसको जॉइंट करेंगे। और उससे पहले ये पीस जो है हमारे, जो हमने 4-4 इंच के चौड़ाई से ये बड़ी बड़ी पट्टियाँ काटी हुई हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी हम आपस में सिल लेंगे, ताकि हमारा जो भी हम बाउंड्री बना सकें। तो हम इसको भी सिल लेंगे और इसको भी सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम आगे सिलना बताएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जब आप इस कपड़े को सिलें तो इसे पहले ही चारों तरफ से पिनअप कर लीजिएगा, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसक जाए। तो हम पहले इसमें पिनअप करेंगे और उसके बाद हम सिलेंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर पिनअप कर लिया है और मैंने इस पर चौक की मदद से लाइन भी लगा ली है, ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ सिलना है। तो हमें बस ये 2-4 लाइन लगानी है, ताकि हमारे 3 पीस आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाएँ, और फिर उसके बाद हम इसे दूसरे पीस में अटैच करेंगे। तो मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर दूसरा पीस रखेंगे, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रहा हो उसको हम कट कर सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मैंने इस पर बिछा लिया है डिज़ाइन। अब जो मेरा एक्स्ट्रा है मैं उसको कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो एक्स्ट्रा पीस कट कर लिया है। अब ये देखिए, मैंने इसमें जॉइंट करने के लिए ये बड़ी बड़ी पट्टियाँ ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम है ना, इसमें ये जो है हमारा, पहले हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, पहले पिनअप कर लेंगे फ्रेंड, फिर हम चारों कोनों पे सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा नीचे वाला कपड़ा भी, देखिए मेरा नीचे वाला कपड़ा भी इसमें अटैच हो सके। अगर आपको इसमें पॉलीथीन लगानी हो तो आप इसमें पॉलीथीन लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 पीस अलग अलग करके सिले फ्रेंड, ऐसे ही पॉलीथीन वाली बिछौनी में पॉलीथीन लगती है। तो जैसे हमारा ये 1 पीस हो गया, ऐसा ही ये अलग से 1 पीस हो गया, तो इसके बीच में पॉलीथीन लगा सकते हैं। तो ये मैंने बिना पॉलीथीन के लिए बनाई है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पॉलीथीन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इस तरीके से ही ले लिए फ्रेंड्स। तो चारों तरफ सिलाई लगा के फ्रेंड्स, फिर हम ये ऊपर वाला हिस्सा और ये वाला, इस दोनों में पहले हम नीचे से ये ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें पहले हम निशान लगा लेंगे फ्रेंड, फिर सिलाई लगाइएगा। हम पहले 1/2 इंच यहाँ से छोड़ देंगे और फिर 1/2 इंच के बाद हम सिलाई लगाएंगे, और वो सिलाई हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 इंच पे आनी चाहिए फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे करके सिल देंगे, और जब सिल जाएगी फ्रेंड्स, फिर हम ये वाली और ये वाली, ये दोनों पट्टियाँ हम इस पर जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ और मैं इस वाली पट्टी को जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चारों तरफ से जुड़ गया है, मैंने सारा जो नीचे का कवर था वो मैंने जोड़ लिया है। तो देखिए, कोई झोल वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से। तो अब हम इसमें चारों तरफ बाउंड्री लगा लेंगे। तो
तो मैं वो लगा के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये एक पट्टी जुड़ गई है और हमें इतना मार्जिन छोड़ के तब ये पट्टी सिलनी है। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, अब जब हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पट्टी एक तरफ से हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से पलट कर ऐसे सिलेंगे फ्रेंड्स, मोड़ कर। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी पट्टी जुड़ गई है ये वाली, और बिल्कुल फिनिशिंग से जुड़ी है। आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे का भी मेरा बोर्ड अच्छे तरीके से जुड़ा है फ्रेंड्स, और सेम आगे से। तो अब हम मेरी ये अभी एक ही पट्टी जुड़ी है फ्रेंड्स, अब मैं तीनों तरफ की और पट्टी जोड़ लेती हूँ। अब मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये बिछौनी तैयार हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत कुछ ना कुछ नया बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।